जी दोस्तों, तो अब मैं खड़ा हूँ पैलेस ऑफ वेनिस और पलाजो वेनेजिया। तो तो ये एक बिल्डिंग है जिससे कि इटली की इंडिपेंडेंस जब हुआ था उसकी इसमें मेमोरियल में बनाया था 1885 से और 1911 के बीच में बनाया था। इंडिपेंडेंस से नहीं, जैसे कि अलग अलग छोटे छोटे उसमें स्टेट्स में बटा हुआ था तो उसको एक बनाया था जब राजा ने, तो तब ये बनाया था ये पैलेस। और इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऊपर जाके है ना, इसमें 16 पिल्लर है, 16 पिल्लर के ऊपर क्या कहते हैं इनके फ्रीडम के कुछ गार्ड हैं। और ये एक है ना बहुत पॉपुलर प्लेस है टूरिस्ट के लिए। इसके सामने क्या है, ये वाला है, ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ रोम पड़ता है इटली में। रोम का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है ना, यहाँ पे 5 रोड आके मिलती है। और ये जो फेमस है यहाँ पे एक है ना, इसका ये वाला स्टैचू बड़ा फेमस है, ये दिख रहा होगा, इसमें शेर के पंख लगे। और यहाँ पे ना ऊपर जाके ना अमर जवान ज्योति है, ये यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया गेट पे खड़े होते हैं आर्मी पर्सन, ऐसे यहाँ पे ना आर्मी पर्सन खड़े रहते हैं, ये जवान हैं। और ये अमर जवान ज्योति इसके दोनों तरफ में जल रही है, ये दिख रही होगी आपको ना, ये वाली, ये अमर जवान ज्योति इधर भी है इधर भी है। तो ये इसलिए है कि जो World War I के अंदर जो लोग मर गए थे, ख़त्म हो गए थे ना जो जवान, उनकी मेमोरी के अंदर ये अमर जवान ज्योति लगाई हुई है इन्होंने, और कोई भी यहाँ पे हर्ट ना करे इसलिए ये दो जवान खड़े कर रखे हैं। ये वो किंग है जिसने कि मतलब कि ये पैलेस बनवाया था। और ये पास सामने आमने सामने ना मेन स्ट्रक्चर के लेफ्ट राइट ये बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं। तो राइट वाला जो स्टैचू है वो कि दिखाता है कि लव को, कि भाई लव को प्रमोट करने के लिए। और जो लेफ्ट साइड में जो स्टैचूज हैं, जो स्कल्पचर बनाए हैं, वो क्या है कि जो वर्क को प्रायोरिटी देते हैं कि भाई काम को प्राथमिकता देना, ये इसका मोटा सा हिसाब है। और दोस्तों मेरे पीछे ना आप ये देख रहे होगे, ये फाउंटेन है और ये है ना दूसरी साइड में भी है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में है। एक्चुअली ये फाउंटेन नहीं है, ये पौंड का सिंबल है। तो ये इसलिए है क्योंकि इटाली के जो ईस्ट और वेस्ट साइड में जो दो ईस्ट वेस्ट ओशन और वेस्ट ओशन पड़ता है, बीच में है इटली, तो उसका ये है ना सिंबलाइजेशन है इसका कि भाई ये ईस्ट ओशन है, ये वेस्ट ओशन है, इसके बीच में है इटली। तो इसकी छोटी सी ये थी स्टोरी, मैंने आपको बता दी। Thank you.
हाँ जी दोस्तों, तो ये है जो पीछे, ये है राजा जिसने मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों से इटली को एक बनाया था। और ये ऊपर देख रहे होगे ना, ये है ना दोनों तरफ में है। ये क्या है, ये लेडीज़ गार्ड है। और ये क्या कहते हैं, रथ के ऊपर है, और इसलिए इनको ना गॉड ऑफ विक्ट्री बोला जाता है कि भाई जीत वाली गॉड, जो जीत को दिलाने वाली भगवान। तो ये ना दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। हाँ जी दोस्तों, तो ये है ना, इसमें मेन पैलेस के अंदर ये 16 पिलर है, और पिलर के ऊपर भी एक एक लेडी, मोस्टली लेडीज स्टैचू है। और ये जो भी मैं बोल रहा था ना, ये है वो क्या कहते हैं, विक्ट्री घोड़ का सिंबल, जो कि 4 घोड़ों के एक रथ के ऊपर है। और ये लेडीज़ गार्ड है, ये मेन क्या कहते हैं किंग। और यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको फिर से ना, ये पूरा एक बार है ना, ये सिटी का नज़ारा है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है कि 5 मेन रोड आके मिलती है, और यहाँ पे आपको टैक्सी, बस, कार, मतलब रथ जो टैक्सी वाले रथ होते हैं ना, वो घूमने के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा। और ये आपको मैं दिखा दूँ जीवन येरी, ये वो ज्योत है ना, अमर ज्योति जवान। तो यहाँ का ये है मोटे तौर पर, मैंने आपको बता दिया। और अब चलते किसी और दूसरी जगह घूमने ना। हाँ, ये एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये जो पिलर के पीछे इटली वर्ल्ड के अंदर ना, इटाली वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे जो मेन इनके विजेता थे, उनके नाम लिखे हुए हैं इटाली लैंग्वेज। दोस्तों, फोरो ट्रियानो और ट्राजन्स फोरम की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 106 ईस्वी में ट्राजन एम्परर के द्वारा डासिया पर विजय प्राप्त करने पर हुई थी। दोस्तों, ये है ट्राजन्स कॉलम, जिसके ऊपर की डासिया युद्ध के शुरुआत करने, युद्ध करने और युद्ध की समाप्ति के छोटे छोटे पिक्चर्स को दर्शाया गया है। हाँ जी, तो दोस्तों अब घूमते घुमाते मैं पहुंच चुका हूँ फोरम ऑफ टार्जन। तो ये बिल्कुल जो अभी मैं बता रहा था ना, पैलेस ऑफ वेनिस, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में है, बाय वॉक एक दो सेकंड का, एक दो मिनट का रास्ता है। तो ये है फोरम ऑफ टार्जन, और इसकी जो मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो हुआ था कोई 100वीं शताब्दी, मतलब 112वीं शताब्दी में। और इसका जो मेन जो बनाने का जो तरीका था ना, ये ना पिलर, बहुत सारे पिलर के द्वारा डिवाइड वगैरह बनाया गया था, डिवाइड करके। और तो और ये जो पिलर है, ये है मतलब इजिप्ट के हैं, ये ग्रेनाइट, इजिप्ट का ग्रेनाइट पत्थर मंगाया था, उससे ये बनाया गया है। और दिन में रात में बहुत अच्छा लगता है देखने में, और पहले जब बना होगा कंप्लीट तब और भी अच्छा था। मगर इसका क्या है कि बाद में जब ये था ना, इस बिल्डिंग को धीरे 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 क्या किया, इसको इसका मटेरियल रीयूज़ करने के पर्पज़ से इस बिल्डिंग का कुछ पार्ट तोड़ दिया गया था। और फिर चलते 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 ऐसा हुआ, 18th सेंचुरी आ गई। 18th सेंचुरी के अंदर जब फ्रांस का रूल हुआ, तो फ्रांस ने आके इस पर, इस जगह को ना पूरा डिमोलिश कर दिया। ये देखो, ये पूरा ना इधर से डिमोलिश है, ये इसको पूरा डिमोलिश कर दिया था। और डिमोलिश करने के बाद उनका ये था कि भाई किसी देश के, जैसे इंडिया के अंदर मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, ऐसे यहाँ पे कर दिया था। और इन पिलरों के अंदर जो मेन पिलर है ना, ये है। तो इसकी छोटी सी स्टोरी ये थी कि पहले तो इसका मटेरियल रीयूज़ करने के पर्पज़ से इस बिल्डिंग को तोड़ा गया था, और भी फ्रेंच जो आए थे उन्होंने फिर इसको पूरा तोड़ दिया था। तो ये पूरा ना, ये देख रहे हो इधर पूरा, ये डिमोलिश पार्ट है, और ये डिमोलिश पार्ट है इनका। और यार मेरे को इटली में एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी, ये जो पेड़ है ना, इन पेड़ों का लुक बड़ा अच्छा है। तो बहुत लंबे हैं, और सर्दी के अंदर बिल्कुल हरे भरे हैं, और नीचे इनके कुछ नहीं है, ऊपर ही जाके फूल की तरह खिले हुए हैं। पूरे इटली में देखे, काफ़ी सुंदर है ये देखने में। नाम पता नहीं मेरे को क्या है क्या नहीं है, मगर है बड़े अच्छे हैं। Thank you.
लाइव म्यूजिक चल रहा है आनंद लो इसका कई जगह पे। दोस्तों ये जो खंडर आप देख रहे हो ये रोमन साम्राज्य के अंदर दुनिया के सबसे पुरानी शॉपिंग सेंटर हुआ करता था, जो कि रोमन लोगों के लिए कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का साधन था। हाँ जी दोस्तों, तो ये है ना जो रोड है, काफ़ी फेमस रोड है ये भी, यही सेंट्रल रोम के जो उतार था पैनिस ऑफ पैलेस ऑफ वेनिस था, जो उसके बैक साइड में पड़ती है, उसी के बैक साइड में ना ये दोनों तरफ ये जो मैं बता रहा था ये इमारतें हैं, है ना, सारा मतलब की जो पुरानी हिस्टोरिकल जो प्लेस थे वो आसपास में है यहाँ के ना। अगर आप पैदल घूमना चाहो तो आप पैदल भी घूम सकते हो। और मैंने क्या कहते हैं सुबह है ना मैंने एक टिकट ली थी ये, तो ये जो है इसकी कीमत है 7 यूरो। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा एक आध जगह थोड़ी दूर पड़ती है। अगर आप पैदल चल सकते हो भाई पूरा दिन की, सोचे यार ज़्यादा टायरिंग नहीं होगा तो पूरा दिन घूम लो, पैदल घूम लो, और आपको लगता है कि यार क्या कहते हैं कि थक जाएंगे क्योंकि कुछ एक प्लेस थोड़ा दूर पड़ जाते हैं, एक दो प्लेस तो आप घूम सकते हो, फिर चलते चलते थक जाते हो। तो उसके बाद फिर ऑप्शन ये रहता है कि आप 7 यूरो की टिकट लो, 24 घंटे अवेलेबल है, मेट्रो में भी चलेगी और बस में भी चलेगी। और दूसरी बात आपको सावधान रहना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ना ये लोग ये सामान बेच रहे हैं ना, ये ज़बरदस्ती आपके पल्ले पड़ जाते हैं भाई, हाय हेलो करेंगे ये है वो है, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। तो आज का मेरा लगभग टूर ख़त्म हो गया और यहाँ लाइव म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, काफ़ी अच्छा है घूमने का, जैसे इंडिया गेट पर रहता है ना माहौल, सर्दी भी कम है। तो अब देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ यार, है ना। चलो मिलते हैं अगली जगह पे। ये ना फिर यहाँ पे घूमते घूमते सारा यही है मेन, तो जो है जो सुबह मैं गया था ना कॉलोनियम रोमा, और उसके बाद सारा यही है, देखो टूटा फूटा फूटा हर एक जगह पे यही है इनका। हाँ जी यार, तो जैसे अगर आप थोड़ा सा भी आंख बंद करके इमेजिनेशन करोगे ना कि भाई हाँ आज से 1000-2000 साल पहले कैसा रहा होगा ये पैलेस या ये जगह जो कंस्ट्रक्ट की होगी, इसका विशाल का जो इस भव्यता रही होगी वो यार इमेजिन करने में कि हाँ यार कुछ तो चीज़ उस टाइम के लोगों ने बनाई है करीब 2000 साल पहले ही। और इसके ना इस पास से और इस पास से दोनों तरफ ना, इधर तो जैसे ये अभी है और उधर क्या कहते हैं ये इधर अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है एक ये, तो ये बहुत ही मतलब कि यूनिक है। यहाँ पे देखो अभी भी है ना आर्कियोलॉजी वगैरह ने खुदाई वगैरह कर रखी, पता नहीं अभी भी चल रही होगी नहीं चल रही होगी। और इधर से फिर ये तो मैंने बताया, इधर से फिर और भी पीछे तक ना ये सारा यही काम है यहाँ पे ना रोमा का पूरा जो भाई साम्राज्य फैला हुआ था पूरे यूरोप के अंदर, अब कोई सभ्यता मतलब ख़त्म ही हो गई है ये चीज़ है। तो कभी यार मेरे को मौका मिला देखने का, देखना आप लोगों को मौका मिले तो भगवान करे जल्दी आपको भी मौका मिला, मेरे को मिला है ना, तो देखना घूमने आना है ना, अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है।